जो मर्जी आएगी मैं करूंगा, तुम मेरे मामलात में बोलना छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अभी तक मैं सिर्फ इस बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रही थी तलाल, लेकिन बस अब नहीं होगा मुझसे। अगर ऐसे ही तमाशे लगे रहे तो जो नौकरों की आंखें बोल रही हैं पूरी बस्ती की जुबानें बोलेंगी बेटे। एक तो मैं पहले ही जुगनू की वजह से परेशान हूँ, फिर ये रोज रोज के झगड़े। तो आप जारा और तलाल को समझाती क्यों नहीं है, अपने मसले को घर के अंदर सुलझाएं। तुम तलाल से बात करो, वो तुम्हारी सुनता है। मैं जारा को समझाऊंगी। मेरी बड़ी सुनता है वो, उसने तो सबको एक ही लाठी से हांकना शुरू कर दिया। अच्छा जुगनू कैसी है, उसने तुम्हें बताया कि कैसे आई चोटे? शकीन माने बेबू, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कुरेदने की। अच्छा रहने दो, कोई बात होती तो बता देती ना। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। अच्छा खासा सुकून बर्बाद हो गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम कल आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना परेशान हो रही थी? लोगों की जिंदगियों में इतने बड़े बड़े तूफान आए हुए, तुम मेरे पीछे तलाल भाई धमकियां देता है। इसने किसको धमकी दी? हमारी घर की लड़की को मैसेज करता है। भाई मैंने किसी को परेशान नहीं किया। जुगनू को मैसेज किया तूने? भाई देखिए जुगनू के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, आपको पता नहीं है कि बस जुगनू के साथ गलत नहीं हो रहा है, गलत तुम दोनों कर रहे हो उसके साथ। खबरदार जो तूने आइंदा जुगनू को कांटेक्ट या मैसेज करने की कोशिश भी की तो जान से मार दूंगा।